मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का समय बाकी है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी दो लिस्ट जारी कर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कई सीटों पर प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर की देपालपुर सीट की बात की जाए तो टिकट घोषित होने के बाद से लगातार पार्टी के ही कार्यकर्ता उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देपालपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांवेर में भाजपा कार्यालय का घेराव किया और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट को भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं, भाजपा को वोट नहीं के नारे लगाए। देपालपुर विधानसभा में राजेंद्र चौधरी जो हिंदूवादी नेता है, जबरदस्त सेना के संरक्षक है, वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको तदधिकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक वंशवाद पट्टावाद को बढ़ावा देते हुए दो बार विधायक हारे और इस बार भारी विरोध होने के बाद भी उनको टिकट एक पट्टे के रूप में दे दिया गया। इसके मनोज पटेल को जिस प्रकार से टिकट मिला है उसका आक्रोश सांवेर में भी आज देखने को मिला, क्योंकि जबरदस्त सेना सैनिक और हिंदूवादी नेता राजेंद्र चौधरी की बहुत तादाद में सांवेर में एक टीम है और वो निरंतर समरसता के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उससे बहुत सारे लोग यहाँ प्रभावित हैं, तो आज उनकी भावनाओं को भी आहत हुआ है। इस दौरान मंत्री कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखते हुए मौके से गायब हो गए। आपको बता दें कि भाजपा ने हाल ही में अपनी दूसरी सूची में इंदौर ग्रामीण यानी कि देपालपुर सीट से मनोज पटेल को टिकट दिया है। इसके बाद से ही क्षेत्र की जनता स्थानीय प्रत्याशी की टिकट की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी ने एक के बाद एक दो सूचियां भी जारी कर दी है, लेकिन सूची जारी होने के बाद ही लगातार विरोध भी सामने आ रहा है। इसी कड़ी में यदि देपालपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर जो बीजेपी ने सूची जारी की उसमें मनोज पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन मनोज पटेल का लगातार वहां के क्षेत्रीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और इसके चलते पिछले दिनों देपालपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री तुलसी सिलावट का घेराव कर उन्हें इस्तीफा भी सौंपा और प्रत्याशी बदलने की मांग भी की। फिलहाल पूरे ही मामले में वहां के प्रत्याशी वहां के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी उस विधानसभा को लेकर अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो मौजूदा प्रत्याशी है मनोज पटेल, उन्होंने वहां पर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।